डॉक्टर क्या करेगा आकर? मम्मी, माला का दिमागी इलाज करेगा और क्या करेगा? दिमाग उसका नहीं, तुम्हारा खराब। हट ले यहाँ से, मैंने कहा हट ले यहाँ से। मैं पागल नहीं हूँ, आप लोग क्या हुई है? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हैं आप लोग? हट ले यहाँ से। मेरी माला कितनी खुश थी, हम सब कितने खुश थे, पता नहीं किसकी नजर खाई। हौसला करो, हौसला करो बेटा, ये मैंने बनाया है, मगर क्यों? दरख्त के साथ इस ताबूत का कनेक्शन एक घना पुराना ड्रावना दरख्त जिसे देखते ही बंदा खौफजदा हो जाए, क्या वजाहत की जाए इसकी? ये तो आपको पता होगा ना डॉक्टर। कैसी कैसी तबीयत है माला की? आकर सीधी अपने कमरे में चली गई है, किसी से बात नहीं की उसने। बेटा, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? ये क्या है? ये क्या है बेटा? थप्पड़ है ये, जो माला ने हमारे मुंह पे मारा है। वो आपको कुछ नहीं बताने वाली अब, क्योंकि उसे ये सब कुछ करके मजा आता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किस बात का बदला ले रही है वो हमसे। अरे उसे जबरदस्ती अस्पताल लेके गए थे, लेकिन उसका ये जवाब दिया उसने हमें। थोड़ा सब्र तो करो यार, एक ही मीटिंग में तो सब कुछ नहीं पता चल जाएगा ना। इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। दो और दो चार की तरह इतना आसान तो नहीं है ना कि झट से जवाब मिल जाए। अरे सब ठीक हो जाएगा कि रात सुन सुन के पक गया हूं मैं। कुछ ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि माला नहीं चाहती कि कुछ ठीक हो। बेटा बेटा, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, आजकल इसका मिजाज ही कुछ अजीब सा हो गया है। मैंने आपसे कहा था ना, बल्कि सबसे कहा था, माला को डॉक्टर के पास लेकर जाना सिर्फ वक्त का ज़िया है, हासिल वसूल कुछ नहीं होगा, देख लिया? मामी, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? कर ली कोशिश, देख लिया? मेरे मना करने के बावजूद मेरी बच्ची को डॉक्टर के पास ले गया ना। बल्कि सब लोग जब बेहोश करके मेरी बेटी को लेकर जा रहे थे, सोचा मेरे दिल में उस वक्त क्या बीत रही थी? मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं उस वक्त से बेचैन हूं, एक लम्हा मैंने सुकून का नहीं गुजारा। एक कदम पर कड़ी हूं तब से, मां हूं ना, मेरे दिल की तो कोई सुनता ही नहीं है, सुनेगी भी कैसे? देखो सुना बेटा, देखो सुना, ये सब उसके दुश्मन तो नहीं है ना? माला के इलाज के लिए ही ये कदम उठाना पड़ा है। कभी कभी दिल पर पत्थर रखना पड़ता है औलाद की भलाई के लिए। माला, 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 क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? शायद। ये क्या बात हुई, तुम्हें अपना ही नहीं पता? मुझे अपना ही तो नहीं पता,
शायद कहीं खो गई। जब भी खुद को ढूंढ नहीं पा रही तो क्या डॉक्टर तुम्हें ढूंढने में नाकाम रही? जो खुद को नहीं ढूंढ सकता उसे कोई दूसरा क्या ढूंढेगा। मुझे ये गिरा खुद ही ढूंढनी होगी। माला तुम्हारी बातें ना मेरी समझ से बाहर हैं। बताऊंगी, सब बताऊंगी, लेकिन जिस दिन मुझे समझ आ जाए। खैर एनी बात बताओ, अगर आप ख्वाब में दर्द और ताबूत देखें तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब क्या? एनी से कहो यहां से चला जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। माला, इनसे नाराज होने का क्या फायदा? इन्होंने जो भी किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है ना। एनी, तुम्हें इसका साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? इसको कह दो यहाँ से दूर हो जाए और मेरे मसलों में ना पड़े। एनी, अगर इसको नुकसान हो गया तो। माला, तुम्हें इस परेशानी से निकालने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा ना मैं करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता माला, और ना मैं छोड़ूंगा। अम्मी, अम्मी ये देखें, मासी ने मेरी शर्ट खराब कर दी है। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं क्या पहन के जाऊंगा? अच्छा बेटा, मैं उसे समझा दूंगी, नहीं करेगी आइंदा कुछ भी, कुछ और पहन लो। मेरे बेड पे सारे कपड़े बिखरे पड़े, उनमें से कुछ पहनने लायक नहीं है, मैं क्या पहनूं? खुदा के लिए चुप हो जाओ, ये सर में दर्द हो रहा है। अम्मी, अम्मी आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और खाला नानी भी चली गई है। हाँ कब बताओ, तुम्हें कोई होश है कि माँ का क्या हाल हो गया? अच्छा अम्मी, गुस्सा नहीं करें, चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। रहने तो तुम, खो दिया मैंने अपना बेटा, बिल्कुल अकेली हो गई हूँ मैं। अम्मी प्लीज, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश तो करें, मामा मामी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, अब इस हालत में मैं उनकी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? और आपको तो वैसे भी पता है कि माला मेरी बात मानती है। क्यों? यासिर कहाँ है? उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, बड़ा भाई है उसका, तुम क्यों वहां भाग भाग कर जाते हो? नहीं, आपको पता है यासिर का मिजाज कैसा है, माला मुझसे फिर भी कुछ बात कर लेती है, उससे तो कुछ भी नहीं कहती। तुम बस माला माला करते रहो, माँ को भूल जाओ। परेशानी के वक्त में इंसान की असल पहचान होती है, मैं इस मुश्किल वक्त में उनको अकेला छोड़कर कैसे खड़ा हो जाऊं? ये तो आप ही की तरबियत है ना, और ये वही वक्त है जिसमें इंसान अपनी इज्जत बना लेता है या खो देता है। और अगर वो लोग मेरे लिए अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आप ही की तारीफ है ना, मेरी तो नहीं। जाओ तो। अच्छा अम्मी, आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ, प्लीज खा लें। कैसी हूँ? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी। कोई खास बात? यार सितरा, तुम्हारे जाने के बाद कुछ भी खास नहीं रहा।
मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। सच बताऊँ तो मेरा भी दिल नहीं लग रहा, एक दो दिन की बात और थी तो ये भी घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। और अगर मुझसे पूछो तो मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारे बगैर। खाली कमरा काटने को दौड़ रहा है मुझे। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ बस। नहीं अम्मी अबू नहीं मानेंगे यासिर, तो समझाओ ना उन्हें। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन वो नहीं मान रहे। तो मुझ पर इस बात पर नाराज है कि मैंने ये बात पहले क्यों नहीं बताई उन्हें। देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम मनाओ। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ यासिर। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूँ। अल्लाह हाफिज़। परेशान है क्या? क्या बात है? क्या बताऊं बेटा तुम्हें? आप मेरी वजह से परेशान ना होंगी, सब ठीक हो जाएगा। क्यों ना परेशान हूं तुम्हारी वजह से? ये सब लोग तुम्हें पागलों के डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर के बस की बात नहीं है, ये क्यों नहीं जानते? मेरी बात कोई नहीं सुनता। लेकिन मैं बता रही हूं तुम्हें, मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी। कल तैयार रहना, मेरे साथ किसी के पास चलना। आप लोग आ जाएं बीबी जी। जब इस लड़की ने मेरे आस्ताने पे कदम रखा था उसी टाइम मेरे मौकिलों ने बता दिया था कि असल कहानी क्या है। हम छुपी और जाहिरी हर बात जानते हैं। बाबा जी आपके किसी जानने वाले ने हमें आपके पास भेजा है, बहुत फैज पाया है उन्होंने आपसे। बेअदब हमसे फायदा नहीं ले सकते, तुम जानती हो इसकी असल परेशानी क्या है। इसे इश्क का रोग है, मोहब्बत करती है जिसकी वजह से ये उल्टी सीधी हरकतें करती है। नादान है ये, शादी करा इसकी और जान छुड़ा, चैन आए इसे। अम्मी अम्मी झूठे झूठ बोल रहे, झूठे आदमी तुम्हें शर्म नहीं आती? खुदा का अजाब नाजिल होगा तुम पर, तुम दूसरों में इल्जाम लगा के बर्बाद हो जाएगी। ये मजाक के नाम पर के सब झूठ बोल रहे हैं। अब नहीं बचेगी, बस
कर देंगे मेरे मौकिल से। बाबा जी माफ कर दीजिए, मैं माफी मांगती हूँ, मेरी बेटी नादान है, बच्ची है, माफ कर लीजिए उसे, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। मैं उसे माफी मांगती हूँ बाबा जी, मेरी बेटी को माफ कर दीजिएगा बाबा जी। क्यों, उन्होंने जो कुछ कहा है सच कहा है? है किसी के साथ? देखो बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, अगर कोई था या है तो बता दो ना मुझे। बस कर दे, अब मुझसे घर के काम नहीं संभाले जाते। मैं चाहती हूँ घर में बहू ले आऊँ, बहू आ जाएगी ना तो अंसर भी वक्त पे घर आ जाया करेगा। क्या किया तुमने? इस तरह से वहां से क्यों आ गई? इतनी मुश्किल से नंबर मिला था, इतने पहुंचे हुए बाबा है, अब क्या होगा? हम भी, उन्होंने जो मेरे किरदार के बारे में उल्टी सीधी बातें की वो आपको दिखाई नहीं दिया? माला, वो पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, उनके पास मक्कल होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। अम्मी, यानी आपको यकीन है कि उन्होंने जो कुछ कहा है सच कहा है? है किसी के साथ? देखो बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, अगर कोई था या है तो बता दो ना मुझे। बस कर दे, बस कर दे, आप मेरी माँ है ना, तेरी माँ है, हमने बचपन से मुझे पाला है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है अम्मी, सारी जिंदगी आपके सामने गुजरी है मेरी, आप कैसे यकीन कर सकती है? वो धोखेबाज फरेबी जब से पहली बार मिला है, तो उसकी बात पे यकीन कर रही हूँ, हम अपनी बेटी की बात पे यकीन नहीं कर रही अम्मी, तो क्या करूँ, कहाँ ले जाऊँ तुम्हें? मेरा दिल दुखता है, फटता है मेरा दिल, तुम मुझे घर बैठ गई हो और लोग ताने देते हैं, बातें करते हैं कि तुम्हारी बेटी पागल है, वो जानती हूँ, मेरा दिल खून के आंसू रोता है माला, क्या करूं मम्मी, मम्मी। ये तो वही दरख्त है जो कॉलेज में नहीं था, लेकिन माला ने क्यों बनाया? और वो ताबूत कहां से आ गया? क्या सोच के माला ने वो दरख्त बनाया आखिर? ठीक है माला, आज से मैं तुम्हारा साया हूं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारा साथ दूंगी। माला, माला ये देखो नई मूवी आई, पता है फरिया बताई थी उसने ये मूवी 3 बार देखी है, इसका मतलब मूवी बहुत मजे की होगी, इन्हें दिखाओ। मैं एक काम करती हूँ, कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, फिर आराम से बैठ के देखती हूँ, ठीक है?
अरे बेटी, वो अंसर आ गया क्या? अरे खाला अम्मा, वो तो सुबह से गया, रात को घर आता है, आता है तो अपने लैपटॉप पे बैठ जाता है, ये एक खट 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 पता नहीं क्या करता रहता है। एक एतवार का दिन मिलता है अम्मा, उसमें भी उसकी पता नहीं कौन सी पढ़ाइयां हैं जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। ओहो भाई, जरा हौसले से बेटा, ध्यान से आओ, तुम तो शुरू हो जाती हो, आओ बैठो। ओ खाला माम, एक बात कहूं? अरे बेटी, क्यों पहेलियां बुझवाती है, तू सीधी बात कर ले ना, बता। हाँ बता। खाला माम, वो एनी की रुख्सती, आप देख तो रही है ना घर में मेरी क्या हालत है, अब मुझसे घर के काम नहीं संभाले जाते। मैं चाहती हूँ घर में बहू ले आऊं, बहू आ जाएगी ना तो अंसर भी वक्त पे घर आ जाया करेगा। अभी तो आप है ना घर में, तो सन्नाटा नहीं है, वरना इतना सन्नाटा होता है कि बस मैं क्या बताऊं आप। ऐसे कह तो तुम बिल्कुल सही रही, बात समझ आ रही है मुझे तुम्हारी। हाँ तो फिर आप भाई साहब से बात करें ना, देखिए ना मैं अगर बात करूंगी ना शायद उन्हें मुनासिब ना लगे। तुम्हारा मतलब है कि मैं माजिद से ये कहूँ कि वो अब एनी की भी रुख्सती कर दे, यही? बिल्कुल बिल्कुल यही मतलब है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उसके कान में बात डाल देती हूँ, कह देती हूँ, लेकिन अब ये हो सकता है कि वो मेरी बात माने, और ये भी हो सकता है कि वो ना माने और वो ये कहे कि भाई माला की शादी की वजह से हमें कुछ और वक्त चाहिए। अरे खाला माँ, आप समझाए ना उन्हें, मुझे कितनी जरूरत है, छोटी बहन उनकी, क्या उन्हें समझ नहीं आती? आप उन्हें कहें कि वो शादी करें बस। वैसे एक बात ये है कि इन सारी बातों की वजह से ना माजिद के घर का माहौल बदल जाएगा। अब देखो ना कितनी बोझल सी फजा है। जी तो, अभी बात कर लेती हूँ, मेरा ख्याल है ना, अभी कर लेती हूँ। अल्लाह फोन दे मुझे, मिला के दे मुझे फोन जरा। ये ले अम्मा, नंबर मिला देना। अच्छा अच्छा। हाँ मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरी मोहब्बत हो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। लेकिन बताओ तो सही, मसला क्या है? अंसर मैं कह रही हूँ ना यार, फोन पे करने वाली बात नहीं है, आप जल्दी से घर आएं। यार अभी मेरा बॉस मुझे 10 बातें सुना के गया, अगर अभी काम से चला जाऊंगा तो मुझे कल से गुस्से नहीं देगा। तो आपकी नौकरी मुझसे बढ़ गई है? अगर ऐसी बात है ना तो आधे घंटे में आपके घर के बाहर। ठीक है सही, जल्दी से आए, मैं वेट कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। देखिए आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन बड़ी के होते हुए छोटे की शादी करूंगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे, ये कैसे मुमकिन है मेरे लिए? तुम बात को क्यों नहीं समझ रही है, बड़ी की वजह से छोटी को बिठाए रखना कोई अच्छा लगता है? मुझे कहीं नहीं जाऊंगी, सुन लिया तुमने, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जिस हाल में, मुझे मेरे हाल पर छोड़ो, तुम लोगों को मुझ पे कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है। बहुत परेशान कर रही हो ना तुम लोगों, बहुत परेशान कर रही हूं, तो चली जाऊंगी, और अगर नहीं गई तो अपनी जान दे दूंगी। हाँ बस हुस्ना, वहाँ सबके सामने बात करना मुझे मुनासिब नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि तुम्हें अलग से बुला के तुमसे पहले खुद बात कर लूँ, और उसके बाद तुम खुद माजिद के कान में डाल देना। फालामी बात तो बताएं, बात क्या है? जब से मुझे पता चला कि आपने मुझे बुलाया तब से मैं परेशान हूँ, पता नहीं फालामी ने क्या बात करनी है मुझसे। नहीं नहीं, ऐसी परेशान होने वाली बात कोई नहीं है, और वैसे मैंने बात भी क्या करनी है, एक मशवरा देना था मैंने तुम्हें, वो ये कि लड़की की ना अब रुख्सती कर दो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इससे जरा घर का माहौल भी बदलेगा।
और उस पर भी अच्छा असर पड़ेगा। हाला अम्मी, कैसे शादी कर दूं? कोई ढंग का रिश्ता मिले तभी तो। मैं दुल्हन में माला की बात नहीं कर रही, ऐनी की बात कर रही हूँ। ऐनी की? हाँ, जब तुमने उसका रिश्ता तय कर दिया है तो यूं ही घर में बिठाए रखने का क्या मतलब है? मेरी मानो तो जल्द अज जल्द उसको अपने घर का कर दो बस। देखिए, आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन बड़ी के होते हुए छोटे की शादी करूंगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे, ये कैसे मुमकिन है मेरे लिए? तुम बात को क्यों नहीं समझ रही है? बड़ी की वजह से छोटी को बिठाए रखना कोई अच्छा लगता है, है? भाई जब माला की किस्मत में होगा तो वो भी अपने घर बार की हो जाएगी। हाँ हाँ भाभी, मर्जी तो मेरी भी यही है कि अब ऐनी को घर ले ही आऊं। आप देखे ना, मैं थक जाती हूँ, जरा सी बीमार पड़ जाऊं ना तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता मेरे पास। आलिया तुम ठीक कह रही हो अपनी जगह, लेकिन जो गलत मत समझना भाभी, असल में अब अकेले रहना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। लेकिन आलिया, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बड़ी के होते हुए मैं छोटी की शादी कर दूं, लोग बातें बनाएंगे, और तुम तो जानती हो आला पर पहले बहुत कड़ा वक्त गुजरा है, मैं ये नहीं कर सकती। अरे उस्ना बेटा, तुम माला की फिक्र क्यों कर रही हो? वो भी हमारी ही बेटी है। देखो उसकी फिक्र मत करो, जब घर में शादी होगी, माहौल बदलेगा तो उस पर भी असर पड़ेगा। अभी तो वैसे भी वो बिल्कुल गुम सुम बैठी है, जब बहन की शादी में मसरूफ हो जाएगी ना तो सोचों में से निकलेगी, लोगों से घुलेगी मिलेगी तो खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। बेटा मामी का शायद आपके घर गई है। तुम इतने आहिस्ता क्यों बोल रही हो? आप भी आहिस्ता बोले, माला तो है वो सुन लेगी। ओके ओके, मुझे इस तरह से क्यों बुलाया? आंसर, वो मुझे माला के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। खैरियत? आंसर, वो मुझे लगता है कि वो किसी से, मेरा मतलब है आजकल ना वो बहुत खोई खोजी रहती, पता नहीं उसे क्या। क्या मतलब? भाई वो काफी दिनों से परेशान थी, तो मैंने सोचा हम लोग मूवी देखते हैं। और आपको पता है मैंने क्या सुना? मैंने सुना वो किसी से कह रही कि वो भी उससे प्यार करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता, you know, she is not that type यार। सर, मुझे पता है, और जब कोई कहता है ना तो मैं भी यकीन नहीं करती, लेकिन आंखों देखकर झूठ तो नहीं हो सकता ना। तो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो? नहीं आंसर, गलत फहमी कैसी? मूवी देखते हुए वो तासुरात बदलना, वो इजहारे मोहब्बत, और वो पीर साहब याद है आपको, उन्होंने भी तो कहा था ना कि कोई है, तो फिर यकीन ना करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। और आपको पता है वो कहती थी कि बासित भाई से उसकी वो अटैचमेंट नहीं है। लेकिन तुमसे तो है ना, तुमसे ही कोई बात कर देती अगर होती तो। आंसर, मेरी कभी इस बारे में बात ही नहीं हुई उससे, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उसके साथ हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी उसके साथ हूँ, बल्कि मैं क्या, हम सब घर वाले उसके साथ हैं, लेकिन वो कुछ बोले तो हमें। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप एक दफा उससे बात करें, वरना मैं अपने तरीके से बात करूँ, हो सकता है मुझे कुछ बता दे। खैर तुम ठीक रही हो। एक्चुअली आंसर, वो आपसे बहुत अटैच है ना, मतलब हर तरह के मौजू पे आपसे बात कर लेती है, तो मैंने सोचा ये बात करने के लिए आप सूटेबल रहेंगे, शायद आप भी कुछ बता दो। हाँ अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मैं बात करता हूँ उससे। और सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी आंसर, मुझे पता है आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। गुड।
अंसर तुम कब आए? मैं बस अभी। क्या वाला, हर वक्त कहाँ खोई रहती हो? अब ऐसा भी क्या है यहाँ जो तुम्हारा कहीं और दिल नहीं लगता? पता नहीं, बस ऐसे ही। खैर छोड़ो, चलो नीचे चल के बैठती हूँ, यहाँ दिल घबरा रहा है। क्यों, यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? आओ चलो चल के बैठो, वैसे भी आज तुमसे बातें करने का मूड है मैं। खैरियत है, बड़ी फुर्सत से आए हो आज तुम। जॉब छोड़ दी है क्या आपने? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, जॉब भी है और बाकी काम भी चल रहे साथ है। चलो अच्छी बात। माला, तुम और मैं बचपन से दोस्त हैं और एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं, राइट? जाहिर है। भाई ये तुम क्यों पूछ रहे हो? माला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बल्कि मदद नहीं, तुम ये कह सकती हो कि तुमसे एक मशवरा लेना। मदद चाहिए तुम्हें? हाँ, वो भी मेरी है। तो अपने मसलों को नहीं हल कर सकते तो किसी और की क्या मदद करूंगी? खैर बोलो, क्या हुआ? माला, मेरा एक दोस्त है, उसे कभी कोई लड़की अच्छी नहीं लगी थी। हालांकि जब हमारी बात होती थी तो हमारा मजाक उड़ाता था कि तुम लोग किस चक्कर में पड़ गए हो। आई आइडियलाइजर। हाँ, तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? हर इंसान का मिजाज मुख्तलिफ होता है। उसे एक लड़की पसंद आ गई है और वो लड़की भी उससे प्यार करती है, लेकिन बात जब रिश्ता भेजने के लिए आई तो वहीं पर आकर रुक गई। क्यों, लड़का बदल गया क्या? नहीं, लड़की ने आयन मत पे इनकार कर दिया। अब वो बेचारा ना जिंदों में ना मुर्दों में, बहुत उदास है, काफी बुरी हालत है उसकी। बाकी चाय के साथ बहुत बुरा हुआ तो वो अब क्या करेगा? यही तो, दो ही चीजें, या वो रिश्ता भिजवा दे या लड़की को बुला दे। लेकिन अंसर, वो कैसे रिश्ता भिजवाएगा जब लड़की राजी नहीं है? तो क्या करे, बुला दे। हाँ, ये एक बहुत अजीब और मुश्किल सवाल है। मोहब्बत बहुत अजीब चीज है। इंसान चाहे जितना ही रो ले, जितना दर्द सह ले, जितनी तकलीफ बर्दाश्त कर ले, कहीं मोहब्बत को नहीं बुला सकता। माला, कभी तुमने किसी से मोहब्बत की है? क्या मतलब? मतलब कि तुम्हारी हालत भी तो कुछ ऐसी है, हर वक्त उदास रहती हो, अपने आप को बंद रखती हो, दीवानों सी हरकतें करती हो। अंसर, ये क्या फजूल की बकवास है? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो जो इस तरह के सवाल कर रहे हो? माला, मैं हर चीज में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। अंसर, बस कर दो, बस कर दो, खुदा के लिए, तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? इतना इम्तिहान मत लो जो मैं नहीं दे सकती। जिसको देखो मुझ पे नए नए इल्जाम लगा रहे, नई नई कहानियां बना रहे, तुम सब लोगों को हो क्या गया? वैसे इतनी परेशान हूँ, मेरी मदद करने के बजाय तुम लोग मुझे मजीद परेशान कर रहे हो। अच्छा, I'm sorry, तुम प्लीज रो मत, मुझे तुमसे बात करनी ही चाहिए थी। छोड़ो इन सबको, कल सुबह हमारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तुम चलोगी ना मेरे साथ? मुझे कहीं नहीं जाऊंगी, सुन लिया तुमने, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जिस हाल में, मुझे मेरे हाल पर छोड़ो। तुम लोगों को मुझ पर कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है। बहुत परेशान कर रही हो ना तुम लोगों को, बहुत परेशान कर रही हूँ, तो चली जाऊंगी, और अगर नहीं गई तो अपनी जान दे दूंगी। माला प्लीज, बस अब एक लव सॉन्ग बहुत सुन ली तुम सब लोग। क्या हुआ आंसर, कुछ बताया माला ने? माला पूरी तरह से बिखर चुकी है। हमें लगता है हमने जल्दबाजी कर दी, हमें उससे ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। अंसर, मैंने खुद सुना। माला मुझसे नाराज हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कल उसका अपॉइंटमेंट है और उसने जाने से भी इनकार कर दिया। तो अब क्या करेंगे अंसर? शायद हम उसका वैसा ख्याल नहीं रख पाए जैसा हमें रखना चाहिए। सब कुछ तो तुम्हारे सामने है, हमने क्या कुछ नहीं किया। मामी तो उसका रूहानी इलाज करा रही है और मैं तो ज़हनी, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अंसर, कुछ तो करना पड़ेगा ना, वो मेरी बहन है।
एक हल है मेरे पास, तुम जितना टाइम हो सके उसके साथ गुजारो, शायद वो तुमसे कोई बात कर ले, क्योंकि मुझसे तो अब वो कोई बात नहीं करेगी, वो मुझसे नाराज है। चलें ठीक है, मैं देखती हूँ, मेरी बहन है, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। या प्लीज डू दैट। खाला जान कह तो ठीक रही है, बड़ी हैं, तजर्बेकार हैं, दुनिया देखी हुई है उन्होंने, अगर वो ये बात कह रही हैं तो यही बेहतर होगा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, यानी कि अगर शादी कर देते हैं तो माला अकेली रह जाएगी, वो तो और परेशान हो जाएगी, और दूसरी तरफ एनी को माला की खातिर घर पर भी तो नहीं बिठा सकते, आखिर को तो शादी करनी है उसकी। तो किसने कहा है कि एनी को माला की वजह से बिठाए रखी? आप माला के लिए रिश्ता तलाश करें, हो सकता है एनी। हम कुछ जल्दी नहीं कर रहे, अभी तो माला इतने बड़े सानहे से गुजरी है, अभी तो वो संभली भी नहीं, और हम उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप कोशिश करें तो शुरू करें, रिश्ता कौन सा दरवाजे पर खड़ा है, हो सकता है ये वक्त उसके लिए मरहम बन जाए। चले आप कहते हैं तो मैं रिश्ते वाली खाना से बात करती हूँ, यहाँ तो सारे ऐसे ही हैं बस। उसने बस एक बात याद रखी कि मेरी माला से कोई भी सवाल जवाब ना करे, ऐसा ना हो कि हम उसके जख्मों पर मरहम रखते रहें और लोग उसके जख्म उधेड़ने लगे। तुम्हें भी कुछ पूछना है क्या? नहीं माला, वो मैं तो बस। प्लीज एनी चली जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो तुम्हें तुम्हारे हाल पे? माला मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। कोई मेरी परेशानी को नहीं समझ सकता। तो तुम समझाओगे तो समझेंगे ना। एनी तुम मेरी परेशानी को नहीं समझ सकती। वो कौन है मुझे बताओ, माला मुझे बताओ ना प्लीज। हैनी वो आम इंसान नहीं है, वो आम इंसान से बहुत मुख्तलिफ है, वो मुझे नजर आता है लेकिन मुझे दिखता नहीं है। माला वो मेरे इर्द गिर्द होता है लेकिन मेरे पास नहीं होता। हैनी तुम्हें पता है, तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि माला मैं तुम्हारी शादी किसी से नहीं होने दूंगा। माला क्या बोल, किसी से भी नहीं। माला क्या बोले जा रही हो तुम? वो मेरी शादी किसी से नहीं होने देंगे, नहीं किसी से भी नहीं। माला ऐसा वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम गलत सोच। माला 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 कौन है? माला कौन? इधर बैठो। क्या हो गया, तुम क्यों ऐसी बातें सोच रहे? माला माला अम्मी से काबू करना आसान नहीं है, बहुत चाहता है उस लड़की को। तुझे काबू में करना कौन सा आसान था, मगर देखा तूने
10 साल हो गए तुझे मेरे इशारों पे नाचते हुए। माला 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 माला, इस घर में माला के अलावा भी कोई वजूद है या नहीं? भाई उनका मसला है तो है। अब जो कुछ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। मैं सबकी खुशियों की कातिल हूँ। मैंने सबकी जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी। अबू अबू मेरी वजह से वहां से चला गया। आज अपनी जिंदगी खो दी और आज अंसर हैनी को खो देगा।